हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री कल्चर। माय सेल्फ तन्मय गुप्ता। तो कैसे हैं आप सब? आज का लेक्चर थोड़ा सा लेट हो रहा है क्योंकि घर में थोड़ा सा काम चल रहा था, लाइटिंग वगैरह का काम हो रहा था यहाँ पे, तो ये वीडियो थोड़ी सी लेट है, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। बट आज का जो लेक्चर है, आज का जो टॉपिक है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स का, जो कि है हीट कैपेसिटी। आज हम लोग हीट कैपेसिटी के ऊपर बात करेंगे, ठीक है ना। तो हीट कैपेसिटी को पढ़ने से पहले, हीट कैपेसिटी को जानने से पहले हम लोग कुछ बातें कर लेते हैं हीट के ऊपर। अगर आप लोगों ने मेरा हीट पे लेक्चर नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप लोग वो लेक्चर देख लीजिए, वरना मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ हीट के बारे में, ठीक है। ओके, तो जैसे हम लोग जानते हैं हीट, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है पहले, हीट इज अ वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी या इट इज अ वे ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, है ना। इट इज अ वे ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, एनर्जी को एक्सचेंज करने का तरीका है एक हीट, जिसको हम लोग हीट कहते हैं, ठीक है। एनर्जी एक्सचेंज के दो तरीके हम लोगों ने पढ़े थे, पहला हीट एंड द सेकेंड वन इज वर्क, ठीक है ना। तो हीट भी एक ऐसा तरीका है जिससे हम लोग एनर्जी को एक्सचेंज कर सकते हैं या ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होगा कि हीट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बताई थी। देखो सबसे पहले तो हीट की यूनिट क्या होती है, यूनिट ऑफ हीट इज जूल, कैपिटल जे इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, और कैलोरी में भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इसको, है ना। कैलोरी में भी रिप्रेजेंट करते हैं। कन्वर्जन फैक्टर हम सबको पता ही होगा, 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.182 जूल्स अप्रोक्सीमेट होता है ना। तो ये तो सब नॉर्मल बातें हो गई, बट जो इम्पोर्टेंट चीज मैंने हीट के लेक्चर में आपको बताई थी, जो आपको याद रखनी थी, वो थी पहली चीज, हीट गिवन टू द सिस्टम, इज टेकन एज पॉजिटिव एंड हीट गिवन बाय द सिस्टम इज टेकन एज निगेटिव, ठीक। ये दो पॉइंट्स थे जो इंपॉर्टेंट थे हीट के लेक्चर में, ठीक है। अगर हम लोग हीट किसी चीज को देंगे, अगर सपोज करो आप सिस्टम हो और कोई आपको एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है, हीट के थ्रू एनर्जी दे रहा है, तो वो आपकी एनर्जी को इंक्रीज कर रहा है ना, आपकी एनर्जी को इंक्रीज कर रहा है। और अगर आप किसी को हीट दे रहे हो, हीट आपके अंदर से इवॉल्व हो रही है, निकल रही है बाहर, तो आपकी एनर्जी लॉस हो रही है, जिससे हम लोग निगेटिव के तरह से देखते हैं या लेते हैं, ठीक है। तो इतनी चीज तो हम लोग ने नॉर्मल हीट के बारे में देखी थी, जो कि थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, बट जो मेन चीज है वो हीट कैपेसिटी है आज के लेक्चर का टॉपिक। ओके, तो हीट कैपेसिटी के ऊपर सबसे ज्यादा बात करेंगे आज, ठीक है। तो हीट कैपेसिटी अच्छा हीट कैपेसिटी क्या होती है? हीट कैपेसिटी एक ऐसी चीज है जिससे सिर्फ और सिर्फ अमाउंट ऑफ हीट से मतलब है, ठीक है ना, अमाउंट ऑफ हीट कंटेंट से मतलब है, है ना। इट ओनली कंसर्न विद दी measurement of heat, it only concern with the measurement of heat. Heat की measurement जो है वो हम लोग heat capacity के through समझते हैं। Suppose heat को हम लोग Q से represent करते हैं, ठीक है। अच्छा कोई भी system है, लेट्स से ये सिस्टम है कोई भी, ठीक है।
बाहर हमारा सराउंडिंग है, ओके बाहर हमारा सराउंडिंग है, अंदर सिस्टम है। यहाँ सिस्टम की हीट को हम लोग टी एस ले लेते हैं, सराउंडिंग की हीट को टी पी ले लेते हैं, ठीक। अब देखो क्या होगा यहाँ पे, जब तक तब तक हीट का ट्रांसफर नहीं होगा जब तक टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं होगा। अगर टेम्परेचर सेम रहेंगे तो एक सिस्टम से किसी दूसरे सिस्टम या सराउंडिंग में हीट ट्रांसफर का तरीका हीट नहीं हो सकता। इफ इफ टी एस इज इक्वल टू टी पी, बट अगर यहां पे टेम्परेचर डिफरेंस होगा यानी डेल्टा टी एग्जिस्ट कर रहा होगा तो इसमें क्या होगा, हीट का एक्सचेंज होगा। अब हीट के एक्सचेंज को हम लोग क्यू से लिखते हैं, ठीक है। तो क्यू क्या करता है, क्यू डायरेक्टली डिपेंड करता है हमारे डेल्टा टी पे यानी चेंज इन टेम्परेचर पे। क्यू इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। अब जब हम लोग ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, ठीक है। ये जो कांस्टेंट है क्यू अपॉन डेल्टा टी, ये जो कांस्टेंट आया यहां पे, ये कांस्टेंट यही हमारा हीट कैपेसिटी होता है, हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो हीट कैपेसिटी की एक्चुअल डेफिनेशन क्या हो जाएगी, यहां पे हीट कैपेसिटी की एक्चुअल डेफिनेशन हो जाएगी द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंस बाई यूनिट डिग्री सेल्सियस, है ना। ये मैं यहां पे लिख देता हूं, देखो एक्चुअल डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द अमाउंट ऑफ हीट हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंस और सिस्टम, सिस्टम भी लिख सकते हैं ना, सिस्टम की बात करते हैं बेसिकली हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में, टेम्परेचर ऑफ एनी सिस्टम बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ये हमारी हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन, ठीक है ना, हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन। और हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन हो गई है। दूसरा पॉइंट यहां पर मेन क्या है, दूसरा पॉइंट यहां पर मेन है कि जो हमारी हीट कैपेसिटी है वो अमाउंट ऑफ मैटर पर डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर, हेंस हीट कैपेसिटी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाती है, ठीक है ना। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे यहां पे इस केस में, या फिर जब तक थर्मोकेमिस्ट्री स्टार्ट नहीं होती है तब तक हम लोग मोस्टली बात जो थर्मोडायनेमिक्स में करते हैं वो गैसेस की करते हैं, है ना, गैसेस की मोस्टली बातें हम लोग करते हैं। इतनी चीज क्लियर हो गई, ओके इतनी चीज क्लियर हो गई कि हीट कैपेसिटी क्या होता है, ठीक। अच्छा हीट कैपेसिटी की यूनिट क्या होती है, यूनिट क्या होती है, जूल्स ही होनी चाहिए, है ना। यूनिट क्या होगी हीट की, जूल डिग्री सेल्सियस। समझ में आ रही बात, ओके समझ में आ रही है बात, ओके। अब देखो क्या होगा कि एक और टर्म है जो हम लोगों को डिफाइन करना होता है, विच इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक मतलब कुछ अमाउंट स्पेसिफाई कर दिया गया है, कुछ अमाउंट किसी भी सब्सटेंस का या किसी भी सिस्टम का स्पेसिफाई कर दिया गया है, मतलब फिक्स कर दिया गया है आपको उतने की ही हीट निकालनी है। तो जब अगर हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करें तो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ अ सिस्टम, 1 ग्राम ऑफ अ सिस्टम बाय 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। अब यहां पे क्या हो गया कि भाई साहब हम लोगों को डिफाइन कर दिया गया कि आपको 1 ग्राम
कोई भी सब्सटेंस का हीट रिक्वायर्ड निकालनी है जब उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस हमको बढ़ाना है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा जो कि इंपॉर्टेंट है, हीट कैपेसिटी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। Q इज इक्वल्स C इज इक्वल्स टू Q अपॉन M डेल्टा T, ये इसका फॉर्मूला होगा। मोलर मास से डिवाइड कर दो तो हमारी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आ जाएगी, ठीक है ना। कितना भी अमाउंट हो, कुछ भी हो, हम लोगों को निकालना है सिर्फ 1 ग्राम का। तो भैया इसीलिए ये हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं रहती, ये हमारे अमाउंट ऑफ मैटर पर डिपेंड नहीं करती, ये हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाती है ना। इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाती है क्यों? क्योंकि यार देखो, आपको 10 ग्राम दिया हो सब्सटेंस, 50 ग्राम दिया हो, ठीक है, 100 ग्राम दिया हो, 500 ग्राम दिया हो, 10,000 ग्राम दिया हो, कितना भी ग्राम सब्सटेंस आपको दिया हो, आपको बतानी कितने की है? सिर्फ 1 ग्राम के लिए आपको बताना, सिर्फ 1 ग्राम के लिए। उससे मतलब नहीं है कि कितना अमाउंट प्रेजेंट है, आपको बताना कितना है वो सिर्फ 1 ग्राम है, जो कि स्पेसिफाई कर दिया गया है, यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, जो सिर्फ 1 ग्राम का बताया है ना। तो कितना भी अमाउंट ऑफ मैटर हो या सॉल्यूशन हो, सॉरी सिस्टम हो या कोई भी सब्सटेंस हो, कितना भी हो, बट बताना हमको सिर्फ 1 ग्राम के लिए है। तो इसलिए ये हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी में काउंट होती है, जो कि अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करते हैं। इतनी चीज क्लियर हुई? इतनी चीज क्लियर हो गई भाई साहब। अब देखो एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इसी में, एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इसी में, विच इज नोन एज मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्यों? देखो हम लोग मोस्टली गैसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, गैसेस की बात कर रहे हैं। तो गैसेस के केस में हम सबको पता है कि मास से ज्यादा सिग्निफिकेंस होता है किसका? मोल्स का। मोल्स का सिग्निफिकेंस गैसेस के केस में मास से ज्यादा होता है। गैसेस रिएक्शंस जितनी भी होती हैं हम लोग मोल्स के टर्म्स में पढ़ते हैं ज्यादातर, यानी मोल्स का सिग्निफिकेंस ज्यादा है। तो मोल्स का सिग्निफिकेंस ज्यादा है तो यहाँ पे भैया मोल के टर्म में भी कोई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होनी चाहिए थी। तो भैया आ गई है वही मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो हीट कैपेसिटी है जिसमें हम लोग रिक्वायर्ड हीट को कैलकुलेट करते हैं फॉर द रेज ऑफ टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। किसी भी सब्सटेंस की 1 मोल की जो हीट रिक्वायर्ड होगी 1 डिग्री सेल्सियस को बढ़ाने में, वो हमारी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाएगी। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या है डिफरेंस और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में? तो यहां पे m की जगह पे क्या आ जाएगा? n आ जाएगा, विच इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, ठीक। डेल्टा टी सबको पता है चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है ना। Q हीट कंटेंट या हीट रिक्वायर्ड, समझ रहे हो? इतनी चीज क्लियर हुई मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और ये सब, ओके अच्छा ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। अब एक बढ़िया सा न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है ना। इस पे ये तो बस फॉर्मूला बेस्ड थी और डेफिनेशन बतानी थी, ठीक है ना। रियल कॉन्सेप्ट तो अभी आएगा धीरे धीरे करके, ओके समझ रहे हो? इतनी चीज। अब इन पे छोटा सा एक बेहतरीन सा क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर आपने थोड़ा सा भी समझा है इस चीज को, फॉर्मूले याद रखे हैं, ध्यान करें हैं, तो लग जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं फॉर्मूले लिख देता हूं साइड में, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगा? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, और मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगा? क्यू अपॉन एन डेल्टा टी, ठीक है। अब क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन है हमारा कैलकुलेट अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द
टेम्परेचर ऑफ 13.5 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम 300 केल्विन टू 400 केल्विन. The specific heat capacity of aluminium is 0.9 joule per gram degree Celsius. ठीक, इतनी चीज आपको क्लियर हुई, इतनी चीज क्लियर हो गई भाई कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है. हम लोगों को कैलकुलेट करनी है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज दी टेम्परेचर ऑफ 13.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम 300 केल्विन टू 400 केल्विन. अच्छा, यहां पे एक थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं क्वेश्चन में, उसके बाद मैं बताऊंगा. मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे रखी है, जीरो पॉइंट नाइन जूल पर मोल डिग्री सेल्सियस. ओके, अब देखो क्वेश्चन जिन्होंने पढ़ा है, फॉर्मूला लगाए मजे से. सी हमको गिवन है कितना, 0.9 जूल पर मोल डिग्री सेल्सियस. ठीक, टेम्परेचर क्या, मास गिवन है 13.5 ग्राम. ओके, डेल्टा टी क्या हो जाएगा, डेल्टा टी कितना हो जाएगा, 400 माइनस 300, तो ये कितना हो जाएगा अप्रोक्सीमेट 100. ओके, 100 डिग्री सेल्सियस. केल्विन में है सर, केल्विन में है, अरे केल्विन में है, डिग्री सेल्सियस में. चेंज तो सेम रहेगा ना, चेंज हमेशा टेम्परेचर का सेम रहेगा, चाहे केल्विन में कैलकुलेट कर लो चाहे डिग्री सेल्सियस में कैलकुलेट कर लो, चेंज हमेशा सेम रहेगा. ठीक है ना, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है. इतनी चीज क्लियर हो रही है, ठीक है. अब हमको क्या करना है, हीट निकालनी है, यानी क्यू निकालना है. ठीक है, यहां से क्यू निकालना है, सी एम डेल्टा टी कर दो. ठीक है, सी की वैल्यू कितनी, 0.9, एम की वैल्यू 13.5 और डेल्टा टी इज 100. क्यू हमारा आ जाएगा इन जूल्स, जूल में आ जाएगा, क्यों आ जाएगा ना भैया सॉल्व करने पे. लेकिन ये चीज गलत है, दिस इज टोटली रॉन्ग. ध्यान देने वाली बात यहां पे क्या थी, ध्यान देने वाली बात यहां पे थी कि यहां पे दिया है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गिवन है आपको, और आप फॉर्मूला लगा रहे हो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का. तो फॉर्मूला यहां पर यह नहीं लगेगा, फॉर्मूला यहां पर सी एन डेल्टा टी वाला लगेगा, है ना, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे. अब नंबर ऑफ मोल्स तो गिवन नहीं है, अब नंबर ऑफ मोल्स नहीं गिवन है तो निकाल लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स. हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे. गिवन मास कितना है, 13.5. मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम इज, बताओ भाई, 27. कितना आ जाएगा, 0.5 मोल. तो यहां पे 13.5 से नहीं, 0.5 से मल्टीप्लाई होगा, समझ रहे हो ना. तो ये 45 जूल्स आपका हीट निकल के आएगी, समझ में आ रहा है, क्लियर हो रही है चीज भाई, क्योंकि यहां पे मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे रखी थी ना. आप फॉर्मूला वो लगाओगे तो आंसर तो ऑब्वियसली गलत आएगा. फिर कहते हो सर भैया मार्क्स नहीं आते एग्जाम में, मार्क्स नहीं आते, है ना. तो ये चीज ध्यान देने वाली होती है, क्वेश्चंस को पहले ध्यान से पढ़ो उसके बाद अटेम्प्ट करो, ठीक है ना. जल्दी जल्दी में सारी चीजें काम खराब हो जाता है. ओके, ठीक है ना, न्यूमेरिकल अच्छा था तो मैंने बता दिया यहाँ पे, और क्या चीज ध्यान देने वाली है ये भी मैंने बता दी. अब देखो, दो हीट कैपेसिटीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको पढ़नी और जाननी भी, दो हीट कैपेसिटी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, सबसे पहली क्या है, कौन सी है, मोलर
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। और दूसरी क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। अच्छा, इस चीज को बताने से पहले मैं एक चीज और बता दूं आपको कि जो हमारी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, विच इज C इज इक्वल टू क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है उसकी वैल्यू। फील कराऊं ये चीज, फील कराऊं कैसे हो? तो देखो, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने दो बेहतरीन प्रोसेस पढ़ी थी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। पहली थी एडियाबेटिक प्रोसेस, है ना, एडियाबेटिक प्रोसेस पढ़ी हुई है, और दूसरी प्रोसेस हम लोगों ने पढ़ी है आइसो थर्मल प्रोसेस। ठीक, पहली एडियाबेटिक प्रोसेस, दूसरी आइसो थर्मल प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या था, एडियाबेटिक प्रोसेस में हम लोग हीट का एक्सचेंज नहीं कर सकते थे। एडियाबेटिक वॉल्स होती हैं, आइसोथर्मल सिस्टम होता है, पूरा एडियाबेटिक सिस्टम होता है जिसकी वॉल्स आइसोथर्मल होती हैं, तो हीट एक्सचेंज नहीं होता क्योंकि वैल्यू हमारी जीरो होती है, अगर नहीं देखा तो भाई साहब लेक्चर देख लो, डिटेल में समझाया हुआ है सब कुछ, ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। ओके, तो हीट की वैल्यू जीरो होती है। अब इस फॉर्मूले में C इज इक्वल टू क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, रखो हीट की वैल्यू क्यू, ठीक है, C इज इक्वल टू जीरो अपॉन एम डेल्टा टी, तो C की वैल्यू क्या आ गई, जीरो, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती है, जिनमें टेम्परेचर चेंज जीरो होता है ना, टेम्परेचर चेंज जीरो होता है, है ना, कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है थ्रू आउट द प्रोसेस, कांस्टेंट टेम्परेचर, डेल्टा टी की वैल्यू जीरो होती है। अब इसी फॉर्मूले में डेल्टा टी की वैल्यू पुट करो, सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन एम इंटू डेल्टा टी है, डेल्टा टी की जगह जीरो, तो सी इज इक्वल टू इन्फिनिटी आया भाई साहब, हीट कैपेसिटी हमारी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इन्फिनिटी आई, इनफाइनाइट, तो जीरो भी हो रही है, इनफाइनाइट भी हो रही है, तो डिफरेंट प्रोसेस पे इन दोनों के बीच की भी वैल्यूज देगी, तो जीरो से इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकती है हीट कैपेसिटी की वैल्यू, जीरो टू इंफिनिटी कुछ भी हो सकती है, एनीथिंग। ओके, अब बात करते हैं कि मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो अगर एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करें, तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए CV इज इक्वल टू QV अपॉन N डेल्टा T, QV अपॉन N डेल्टा T, the amount of heat required to raise the temperature of one mole of a substance by 1 degree Celsius। समझ रहे हो ना, अगर हम लोग एक मोल का N इज इक्वल टू 1, डेल्टा T इज इक्वल टू 1 रख दें, तो हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 degree ऑफ तो हमारी ये हीट के बराबर हो जाएगी, है ना, क्योंकि टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, एक 1 degree टेम्परेचर राइज कर रहे हैं ना, 1 degree टेम्परेचर राइज कर रहे हैं, वो भी 1 mole ऑफ सब्सटेंस का। ओके, ऐसे ही हमारी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, विच इज रिप्रेजेंटेड एज सी सफिक्स में पी, Cp, which is Qp upon N delta T, ये भी यही है कि the amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of a substance by 1 degree Celsius, ठीक है ना, 1 degree temperature rise करेंगे किसी भी 1 mole of a substance का, okay? तो जो Cp है हमारा वो Qp के बराबर हो जाएगा। यूनिटी है ना दोनों चीजें, एन को 1 रखोगे, डेल्टा टी को 1 रखोगे, तो सीपी इज इक्वल टू क्यूपी आ जाएगा, यही हमारी डेफिनेशंस होती हैं, ओके, सीपी और सीवी क्लियर हुई बात, सीपी और सीवी क्या है, ठीक है ना।
मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम और मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। एक बात ध्यान रखना कि ये जो सीपी और सीवी है ये कैपिटल सीपी और सीवी है, इट इज कैपिटल सीवी एंड दिस इज कैपिटल सीपी, कैपिटल सीपी है ना, कैपिटल लेटर्स में है सी, सी हमारा कैपिटल है, वो भी मैं बताऊंगा कि मैं इस चीज पे क्यों ध्यान दे रहा हूं कि ये कैपिटल सीपी और सीवी है। ओके, वो मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। अब देखो एक चीज और कि सीपी और सीवी में एक बड़ा बेहतरीन और बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है, बड़ा बेहतरीन और बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है सीपी और सीवी में, जो कि आप लोगों ने आई थिंक पढ़ रखा होगा, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल्स टू आर, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल्स टू आर। अगर इसको थोड़ा सा डिराइव करके देखना चाहें तो एंथैल्पी वाला जो लेक्चर आएगा मेरा उसमें मैं एक रिलेशन बताऊंगा जिसमें बताऊंगा डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी, ठीक है, डेल्टा एन आर टी ये वाला एक रिलेशन आएगा एंथैल्पी के केस में। और डेल्टा एच क्या होता है हमारा, डेल्टा एच होता है हीट कंटेंट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, हीट कंटेंट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर क्यूपी। तो एन सी पी डेल्टा टी हो जाएगा ये, एन सी पी डेल्टा टी, इस वाले फॉर्मूले से देखो है ना, क्यू पी इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी, और जो क्यू वी है इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी, क्यू वी ये हमारा डेल्टा यू होता है, हीट कंटेंट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज नोन एज इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू है ना, क्यू पी इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी प्लस डेल्टा एन आर टी, ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो रही है, इतनी चीज क्लियर हो रही है। तो यहां पे n क्या है, n इज नंबर ऑफ मोल्स बाहर आ जाएगा, r इज गैस कॉन्स्टेंस ये भी बाहर आ जाएगा, तो एन सी पी डेल्टा टी इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी प्लस एन आर डेल्टा टी। यहां से क्या होगा, n n गया, n गया डेल्टा टी और डेल्टा टी गया, तो सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर, सी पी माइनस CP माइनस CV इज इक्वल्स टू R। फिलहाल डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं है बट मैंने तब भी बता दिया आपको, सिर्फ इस रिलेशन से मतलब है, दिस रिलेशन इज नोन एज मेयर्स रिलेशन, मेयर्स रिलेशन और मेयर्स फॉर्मूला, फॉर्मूला भी कह सकते हैं, मेयर्स रिलेशन भी कह सकते हैं। और ये जो रिलेशन है ना ये ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू, always true for any gas at any condition, किसी भी गैस के लिए किसी भी कंडीशन में ये रिलेशन हमेशा ट्रू है, दिस मेयर्स रिलेशन इज ऑलवेज ट्रू एट एनी कंडीशन फॉर एवरी गैस है ना, हर गैस के लिए चाहे कोई भी गैस हो ये रिलेशन होल्ड करेगा ही करेगा, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये। अब हम सबको पता है कि ये सी पी और सी वी इज इक्वल टू आर क्यों कैसे क्या, समझने वाली बात है, ठीक है, गैसेस के लिए ही होता है ये, बेसिकली गैसेस के लिए ही होता है ये, तो हम सबको पता है कि ये गैसेस के लिए होता है मेयर्स रिलेशन। तो इस चीज को समझाते हैं अब अच्छे से, देखो अच्छे से समझाते हैं भैया क्योंकि चीजें समझ में आनी जरूरी है, चीजें क्लियर होनी जरूरी है, समझ रहे हो। सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, ओके। अब ये जो CP और CV की वैल्यूज हैं ये डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होल्ड करती हैं, ठीक है, आपको बस एक चीज यहाँ पे एक फॉर्मूला याद रखना है उससे आप सब कुछ बना लोगे। अभी देखो आपको बस ये याद रखना है CV is equals to F by 2R होता है, F by 2R where this F is known as degree of freedom, degree of freedom, डिग्री ऑफ फ्रीडम इसको हम लोग कहते हैं, ये जो स्मॉल एफ है इसको हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं, और ये हमारा
एटॉमिसिटी पे डिपेंड करता है, एटॉमिसिटी ऑफ गैस डिपेंड्स ऑन एटॉमिसिटी ऑफ गैस। कैसे कैसे? देखो अगर मोनो एटॉमिक गैस है, मोनो एटॉमिक गैस, कोई भी मोनो एटॉमिक गैस है, जैसे हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, है ना, ये सारी गैसेस हैं, मोनो एटॉमिक है। मोनो एटॉमिक गैस के लिए F की वैल्यू होती है 3। ओके, डायएटॉमिक गैस, अगर कोई डायएटॉमिक गैस है, जैसे O2 है, H2 है, दो एटम्स जिसमें प्रेजेंट है, O2 है, H2 है, N2 है, F2 है, ये सारी गैसेस के लिए F की वैल्यू हमारी होती है F इज इक्वल्स टू 5, है ना। ये चीज आपको थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू है। अगर पॉली एटॉमिक गैस है, कोई भी अगर पॉली एटॉमिक गैस है, पॉली एटॉमिक गैस है तो क्या होगा, मतलब दो से ज्यादा एटम वाली गैस है तो क्या होगा? तो यहां पे इस केस में दो केसेस बनते हैं कि अगर गैस का स्ट्रक्चर लीनियर है, लीनियर गैस है, है ना, या फिर नॉन लीनियर गैस है। पहली, अगर गैस लीनियर है तो लीनियर गैस के केस में क्या होगा, F की वैल्यू 5 के बराबर होगी, बट अगर नॉन लीनियर गैस है तो F इज इक्वल्स टू 6 होगा। लीनियर गैस मतलब जैसे CO2 मान लो, सबसे बढ़िया एग्जांपल है लीनियर गैस का CO2। इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, एक ही प्लेन में लीनियरली अरेंज होती है कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ठीक, समझ रहे हो, एक लीनियर स्ट्रक्चर है, लीनियर शेप है। और नॉन लीनियर या फिर पॉलीएटॉमिक गैसेस में और भी एग्जांपल है, जैसे CO2 तो हमारा लीनियर वाला केस बनाता है, और जैसे मान लो BF3 हो गया, SO2 हो गया, है ना, बहुत सारी गैसेस हैं जो कि पॉलीएटॉमिक गैसेस हैं, उनके लिए F की वैल्यू 6 होती है, F की वैल्यू 6 होती है। समझ में आ रहा है? CV is equals to F by 2R, तो यहां पे से क्या हो जाएगा, CP क्या हो जाएगा, CV is equals to F by 2R, तो CP की वैल्यू क्या हो जाएगी, CV plus R, CV plus R यानी F by 2R plus R, तो यहां पे ये हो जाएगा F by 2 plus 1 into R, ये CP की वैल्यू हो जाएगी, है, CP की वैल्यू हो जाएगी और CV की वैल्यू हो जाएगी। समझ आ रही है इतनी चीज? F की वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी फॉर गैसेस। अगर लीनियर मॉलिक्यूल है पॉलीएटॉमिक तो F की वैल्यू 5 ही रहेगी, यही वाला केस बन जाएगा, बट अगर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है तो F की वैल्यू 6 हो जाएगी। अब देखो एक और कांस्टेंट है बड़ा बेहतरीन सा, जिसको हम लोग डिफाइन करते हैं एज गामा। गामा क्या होता है, वो CP बाय CV का रेशियो होता है, जिसको हम लोग पॉइजन्स रेशियो के नाम से भी जानते हैं, पॉइजन्स रेशियो। गामा का बहुत ज्यादा रोल है, गामा का बहुत ज्यादा रोल है, ये डायरेक्टली हमको क्या बताता है, ये हमको बता देता है कि गामा की वैल्यू को देख के हम बता सकते हैं कि किसी भी गैस की एटॉमिसिटी क्या है, कैसी है वो गैस, कौन से एटॉमिक लेवल की वो गैस है, मतलब, ठीक है ना, समझ आ रही है इतनी चीज। गामा इज इक्वल्स टू, व्हाट इज गामा, गामा इज द रेशियो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। इतनी चीज क्लियर हो रही है, CP by CV। तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, इसके लिए एक टेबल बना लेते हैं बढ़िया सी, है ना, एक बढ़िया सी टेबल बना लेते हैं, उससे आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक अच्छी सी टेबल बना लेते हैं, ठीक, इधर साइड लिखेंगे एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी ऑफ गैस, है ना, सीवी की वैल्यू, कैपिटल सीवी की वैल्यू, कैपिटल सीपी की वैल्यू और गामा की वैल्यू। गामा बड़ा डिजाइनर टाइप का होता है भाई साहब, है ना, बनता नहीं आसानी से। तो भैया एटॉमिसिटी अगर हम लोग ले मोनो एटॉमिक गैस, सबसे पहली मोनो एटॉमिक गैस, ठीक है,
CV is equals to क्या है? F by 2 R CP is equals to F by 2 plus 1 into R gamma is equals to CP by CV, है ना? इतनी चीज क्लियर हो रही है? तो अगर मोनोएटॉमिक गैस है, मोनोएटॉमिक गैस है, तो क्या हो जाएगा? मोनोएटॉमिक के केस में F की वैल्यू 3, तो CV की वैल्यू 3 by 2 R, CP की वैल्यू 3 by 2 plus 1 is 5 by 2 R, गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये 5 by 2 R upon 3 by 2 R is 5 by 3, which is 1.66, गामा की वैल्यू 1.66. डायटोमिक गैस के केस में देखो, डायटोमिक गैस के केस में F की वैल्यू 5, तो ये हो जाएगा 5 by 2 R, 5 by 2 plus 1 R is 7 by 2 R, अब गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? 7 by 2 R upon 5 by 2 R, यानी 7 by 5, it is approximately 1.40, okay? अगर पॉलीएटॉमिक गैस है, पॉलीएटॉमिक गैस के लिए F की वैल्यू 6, वो लीनियर वाला केस हमारा इस वाले केस में ही इंक्लूडेड हो जाएगा डायटोमिक गैस के, ठीक? 6, तो ये हो जाएगा 3R, ये कितना हो जाएगा? 3 प्लस 1 4R, और ये 4 बाई 3, विच इज 1.33 अप्रोक्स, ओके? इतनी चीज क्लियर हो रही है? तो गामा की वैल्यू क्या है? देखो, गामा की वैल्यू देख के हम लोग बता सकते हैं, अगर गामा की वैल्यू 1.66 तो मोनोटॉमिक गैस, 1.40 तो डायटोमिक गैस, 1.33 तो पॉलीटॉमिक गैस। अब एक चीज और यहाँ पे गौर करने वाली है कि जैसे जैसे एटॉमिसिटी ऑफ गैस बढ़ रही है, वैसे वैसे गामा की वैल्यू कम होती जा रही है, यानी गामा की वैल्यू फॉर मोनोएटॉमिक सबसे ज्यादा, फॉर डायटोमिक उससे कम, और फॉर पॉलीएटॉमिक सबसे कम, ठीक? गामा की वैल्यूज डिक्रीज कर रही है, ठीक? गामा की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। इतनी चीज क्लियर हो गई भाई? समझ आ रही हैं बातें? गामा क्या होता है? गामा हमारा रेशियो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इतनी चीज क्लियर हो रही है? ये हमारी छोटी सी प्यारी सी बढ़िया सी टेबल है, इसको बना लो तो आपको कुछ याद रखने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, है ना? ओके, रब करूं? ठीक है भाई, रब कर रहे हैं हम। आप लोग उतार लीजिए, नहीं उतारा है तो पॉज करिए, पॉज करके बैक करिए, बैक करके फिर पॉज करिए, उसके बाद फिर से उतारिए। समझ में आया बात? नहीं तो नोट्स तो हम प्रोवाइड करा ही देते हैं भाई, है ना? नोट्स तो प्रोवाइड हम करा ही देते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है जो कि नोट डाल के आप लोग लिखना स्टार्ट करो। नोट डाला, पहला पॉइंट नोट के अंदर क्या है कि हम लोगों को देखना है एक और चीज, मतलब ये समझ लो कि एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, क्वेश्चन के थ्रू मैं समझाऊंगा, ठीक है? आपको CP माइनस CV इज इक्वल्स टू का रिलेशन निकालना है इन फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज अ गैस। तो भाई सीधी सीधी बात है, CP माइनस CV इज इक्वल्स टू R होता है। बट मैं अगर यहां पर चार ऑप्शन दे दूं आपको, अगर आपको यहां पर मैं चार ऑप्शन दे दूं कि 8R, दूसरा R by 32, तीसरा 16R and the fourth one is 28, ठीक है? आपको बताना है इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा। अब भाई CP माइनस CV इज इक्वल्स टू R तो है ही नहीं, R तो है ही नहीं यहाँ पे, ऑप्शन में R है ही नहीं भैया, ऑप्शन में गिरना जरूरी था तुमको, है? ऑप्शन में R है ही नहीं, 8R, R by 32, 16R and R by 28, R तो है ही नहीं, तो क्या करें भाई? अब ये क्या नई बला आ गई? नई बला कुछ नहीं,
हम लोगों ने सीपीसी भी पढ़ा है, क्या? मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के टर्म्स में भी सीपीसीवी डिफाइंड होते हैं, सीपीसीवी डिफाइंड होते हैं। बट क्या होता है, जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है उसके केस में सीपीसीवी स्मॉल सीपी और स्मॉल सीबी होते हैं। तभी मैं उस टाइम कह रहा था कि ये ध्यान रखना कैपिटल सीपी और कैपिटल सीबी है। अब देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर अगर हम लोग डिफाइन करें तो क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, है ना। और स्मॉल सीबी अगर डिफाइन करें तो क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, क्यू वी और क्यू पी। और कैपिटल सीपी कैपिटल सीबी डिफाइन करें तो क्यू पी अपॉन एन डेल्टा टी, और कैपिटल सीबी इज इक्वल्स टू क्यू वी अपॉन एन डेल्टा टी। अब इनके बीच में रिलेशन क्या होगा ये मैं आपको बताऊं। इनके बीच में अगर आपको रिलेशन देखना है तो भाई साहब सीपी और सीवी जितना मोलर मास है ना मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, किसी भी गैस का मोलर मास है उससे मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा सीपी सीवी आ जाएगा। इतनी चीज क्लियर हुई, ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, नोट में लिख लो, क्वेश्चन यहां से आया हुआ है, समझ रहे हो। तो देखो सीपी माइनस सीवी क्या हो जाएगा, कैपिटल सीपी माइनस कैपिटल सीवी हमको पता है आर होता है, स्मॉल सीपी स्मॉल सीवी क्या हो जाएगा एम स्मॉल सीपी माइनस एम टाइम्स ऑफ स्मॉल सीवी इज इक्वल्स टू आर। मोलर मास कितना है ऑक्सीजन का 32, यानी 32 सीपी माइनस 32 सीवी इज इक्वल्स टू आर, तो सीपी माइनस सीवी इज इक्वल्स टू आर बाई 32। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये समझ आ रही है बात, R by 32। तो हमको ध्यान देना पड़ेगा कि हमको कैपिटल सीपीसीवी पूछा गया है या स्मॉल सीपीसीवी पूछा गया है, इस बात का ध्यान देना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात, इस बात का हमको ध्यान देना पड़ेगा ही पड़ेगा। ओके, ये चीज इतनी क्लियर हुई, ठीक है। अब एक और नोट देखो, है ना, नोट का दूसरा पॉइंट नोट करो। इतनी चीज क्लियर हो गई ना भाई, ना क्लियर हो कोई चीज़ तो भैया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है पर्सनली मैसेज करके ज़रूर बताएं, कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ तो वो भी बताओ, है ना, क्योंकि जब तक इंटरेक्शन नहीं होगा हमारा तब तक मज़ा नहीं आएगा, तो वो ज़रूरी है, ठीक है। एक और नोट लिखो, जो भी हम लोग अभी तक सी पी सी वी डिफाइन कर रहे थे वो फॉर सिंगल गैस डिफाइन कर रहे थे, फॉर सिंगल गैस। अब क्या करूं मैं कि यहां पे दो या दो से ज्यादा गैसेस जो नॉन रिएक्टिंग गैसेस हैं उनको मिक्स कर दूं, ठीक है ना, टू और मोर नॉन रिएक्टिंग गैसेस को मिक्स कर दिया जाए, ठीक है, ओके, टू और मोर नॉन रिएक्टिंग गैसेस को मिक्स कर दिया जा रहा है जिनमें नंबर ऑफ मोल्स है N1, N2, N3, ठीक है, तीन गैसेस मान लेते हैं, सबका नंबर ऑफ मोल्स अलग अलग है N1, N2 और N3, और सबकी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम और कॉन्स्टेंट प्रेशर भी अलग अलग है। इसकी है CV1, इसकी है CV2, इसकी है CV3, है ना, इसकी है CP1, इसकी है CP2, इसकी है CP3, ठीक है। अब हमको निकालनी है भैया इनमें से, इन मिक्सचर है, मिक्सचर बनाया हम लोगों को, हम लोगों ने मिक्स करी है गैसेस को, ठीक है, गैसेस मिक्स करी हुई हैं, तो इसका हम लोगों को सीवी ऑफ मिक्सचर एंड सीपी ऑफ मिक्सचर फाइंड करना है ना, मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो कैसे फाइंड करेंगे, नॉर्मल फॉर्मूला है, बिल्कुल जैसे एवरेज निकालते हैं ना, बस वही वाला फॉर्मूला है, N1 CV1, ठीक है, प्लस N2 CV2 प्लस N3 CV3 अपॉन
n1 प्लस n2 प्लस n3, ठीक है। सीपी निकालना है तो क्या हो जाएगा, n1 cp1 प्लस n2 cp2 प्लस n3 cp3 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3। ये हमारी cp और cv हो जाएगी फॉर मिक्सचर ऑफ गैसेस, है ना, फॉर मिक्सचर ऑफ गैसेस। इतनी चीज क्लियर हो रही है भाई, फॉर मिक्सचर ऑफ गैसेस, ये फॉर्मूला फॉर मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है ना। तो बस इतना ही है इस लेक्चर के बारे में, हीट कैपेसिटी में बस इतना ही है। एक ओवरव्यू ले लेते हैं पूरे लेक्चर का, है ना, एक पूरे लेक्चर का ओवरव्यू ले लेते हैं, कहां कहां क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या याद रखना है इस लेक्चर में, मेन बात, ठीक है। सबसे पहली बात तो हमको याद रखना है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, ठीक। इसके लिए स्मॉल सीवी और स्मॉल सीपी डिफाइन कर हुए हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सीएम अगर हम लोग लिख लें तो ये क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एन डेल्टा टी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसके लिए कैपिटल सीपी और कैपिटल सीवी डिफाइन है, जिसमें सीवी की वैल्यू क्या होती है, एफ बाई टू आर, ठीक है, एफ बाई टू आर, ठीक है। फिर सीपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ बाई टू प्लस वन इंटू आर, सीपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ बाई टू प्लस वन आर, ठीक है। सीपी सीवी का रिलेशन इनसे देख लेते हैं, तो कैपिटल सीपी इज इक्वल्स टू मोलर मास टाइम्स ऑफ स्मॉल सीपी एंड कैपिटल सीवी इज इक्वल्स टू मोलर मास टाइम्स ऑफ स्मॉल सीवी, ये रिलेशन होगा छोटे छोटे, ठीक है। और क्या याद रखना है हमको, गामा की वैल्यू याद रखनी है, गामा इज इक्वल्स टू सीपी बाई सीवी। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म्स में हमको डायरेक्टली गामा निकालना है तो क्या हो जाएगा, गामा इज इक्वल्स टू सीपी क्या है, एफ बाई टू प्लस वन आर और ये एफ बाई टू, ठीक है, एफ बाई टू प्लस वन आर अपॉन एफ बाई टू आर। तो ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एफ प्लस टू हो जाएगा, ठीक, एफ प्लस टू, एफ आर प्लस टू आर अपॉन एफ आर, ठीक है। तो वन प्लस टू बाई एफ क्या हो जाएगा, वन प्लस टू बाई एफ, गामा इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, वन प्लस टू बाई एफ। डायरेक्टली एफ की वैल्यू यहां पे रखो, गामा की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो गई, गामा की वैल्यू क्लियर हो गई, ठीक है, ओके। बस इतना ही तो था, और है क्या, और कुछ बाकी है, हाँ एक चीज और बाकी है भाई साहब, मेन चीज तो भूले जा रहे हैं हम लोग, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल्स टू आर, मेन रिलेशन है, मेयर्स रिलेशन, गामा की वैल्यू, पॉइजन रेशियो, ये याद रखना है, ठीक। और कुछ याद रखने की जरूरत यहाँ पे नहीं है ज्यादा, बस इतना ही काम था, इतना ही लेक्चर था, और कुछ यहाँ पे याद रखने वाली बात नहीं है। अगर क्यूवी की बात कर लो तो एन सी वी डेल्टा टी, है ना, ये तो फॉर्मूले से ही डिराइव हो रहे हैं अलग अलग, यहाँ पे देखो एन सी वी डेल्टा टी, है ना, एन सी वी डेल्टा टी, क्यूपी अगर डिफाइन करो तो एन सी पी डेल्टा, बस इतना था लेक्चर। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा, है ना, एफ की वैल्यू एफ बाई टू आर, गामा और ये सारा सब कुछ बड़े आराम से प्यार से बढ़िया से बताया हुआ है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो भाई आज का लेक्चर समाप्त, आज की सेवाएं समाप्त करते हैं, खत्म करते हैं, मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट लेक्चर नई वीडियो के साथ, टिल देन जय हिंद।